हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लास्ट क्लास में, अपने लास्ट लेक्चर में, हमने इस पूरे कैलकुलेटर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक सी लैंग्वेज में, उसका हमने देखिए यहाँ पर ओवरव्यू दिया था। तो आई होप कि आपने वो पार्ट देखिए ज़रूर देखा हो। और आज देखिए मैं उसकी कोडिंग जो है मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो इस तरह से देखिए हमारा कुछ ये बना था, और ये एक इनफाइनाइट टाइप का प्रोसेस है। जब तक आप अपनी मर्ज़ी से इस पूरे प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करना चाहते, तब तक आप यहाँ पर एक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले इसका पहला पार्ट ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आने वाला है। अदरवाइज़ हम क्यों कोडिंग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कोडिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे देखिए, मैं एक न्यू यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये एक नया आ जाएगा, और इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, लेट से कुछ भी मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको हमने इस तरह से सेव कर लिया है। तो चलिए अब मैं कोडिंग इसकी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यूजली वही हम यहाँ पर दो हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड डॉट एच एंड। अब यहाँ पर ये दो हेडर फाइल क्यों लगाते हैं, ये आपको पहले से पता है। एंड ये हमारी लग गई कोन्यो डॉट एच, ठीक है। तो अब देखिए मैं बनाऊँगा, देखिए हमारा ये होगा क्या, मेन फंक्शन। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में अब देखिए आने पर सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि हमें एक मीनू दिखे, है ना, कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं एक फंक्शन ही बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर, अच्छा, जो यूज़र चॉइस इंटर करेगा वो चॉइस हमें देखिए इस मेन फंक्शन में रिटर्न करनी पड़ेगी, है ना। देखिए मैं फंक्शन का नाम यहाँ पर मीनू रख ले रहा हूँ, और अभी मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए हमारा हो गया क्या, ये है हमारा मीनू फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले नंबर पर हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ, और हमने लाइन चेंज कर दी है और हमने लगा दिया वन डॉट। तो वन नंबर पर हमें एडिशन करना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सिंपली ऐड। ये हमारा ऐड प्रिंट हो जाएगा पहले चॉइस पर, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने फिर से लाइन चेंज कर दी, और टू नंबर पर मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्शन करवाना चाहता हूँ, तो ये होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी यहाँ फंक्शन हम नहीं लिखेंगे, इस तरह से ये हमारा सब्ट्रैक्शन का हो गया। तो बेसिकली ये मैं मीनू डिज़ाइन कर रहा हूँ जिस तरह से अभी हमने अपने प्रोग्राम में देखा था लास्ट लेक्चर में। फिर थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन का मैं बना लेता हूँ, और फोर्थ पे मैं बना लेता हूँ, लेट से प्रिंट ऑफ। फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बना लेता हूँ, यह डिवीजन का बन गया है। और फिफ्थ में मैं बना लेता हूँ, डिवीजन के बाद आता है क्या, रिमाइंडर का मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ गेट रिमाइंडर, ओके, एक ऑप्शन ये हमारे पास हो गया। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास फाइव ऑप्शन है अभी। अच्छा, एक और हमें ऑप्शन अभी बनाना पड़ेगा, या दो ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, उसको मैं बाद में अभी ऐड कर दूँगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जैसे ही मैं मेन फंक्शन से इस मीनू फंक्शन को कॉल करूँगा, तो पहले ये मीनू फंक्शन में जो भी जितने भी प्रिंट ऑफ लगे हैं, ये सारे के सारे प्रिंट ऑफ यहाँ से चलेंगे, तो हमारा जो मीनू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब यूजर क्या करेगा कि कोई नंबर इंटर करेगा एक से पाँच तक के बीच में, है ना, तो वो चॉइस होगी यूजर की, और उसी के अकॉर्डिंग हमें टास्क करना है। तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज देना पड़ेगा यूजर को, मैं क्या करूँगा, लिखूँगा इंटर, ओके, इंटर योर चॉइस। अब यूजर क्या करेगा, अपनी चॉइस इंटर करेगा, तो वो चॉइस इंटर करेगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, और जो चॉइस होगी वो एक इंटीजर टाइप होगा, वैल्यू इंटर करेगा इंटीजर टाइप की। तो लेट से मैं यहाँ पर एक सी एच नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, तो हमारा जो चॉइस है वो इस सी एच वेरिएबल में आ जाएगी, और ऑफकोर्स हमें इस सी एच वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं मेन फंक्शन से इस मीनू फंक्शन को कॉल करूँगा, तो ये मीनू फंक्शन क्या करेगा,
ये पूरी पूरी चॉइस को प्रिंट करेगा इस तरह से, और यूजर जो भी चॉइस इनपुट करेगा वो सी एच वेरिएबल में आ जाएगी। तो इसे हमें रिटर्न करना है सी एच वेरिएबल को मेन फंक्शन में। तो हमने लिखा सी एच रिटर्न सी एच। तो इस मीनू फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट होगा। क्यों? क्योंकि जो ये मीनू फंक्शन है इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। अब देखिए मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और यहाँ से मैं मीनू फंक्शन को कॉल करता हूँ, है ना। तो मीनू फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो मीनू फंक्शन से क्या रिटर्न हो सकता है? या तो वन रिटर्न होगा, या तो टू रिटर्न होगा, या तो थ्री रिटर्न होगा, या तो फोर, या तो फाइव। अभी क्योंकि हमारे पास पांच ही चॉइस हैं तो एक से पांच तक लेकर कोई भी नंबर रिटर्न हो सकती है। तो जो ये चॉइस हमारी रिटर्न हो रही है इसके अकॉर्डिंग हमें टास्क को परफॉर्म करना है ना। तो इस चॉइस को रिटर्न करने के बाद हमें कुछ कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो चॉइस जो रिटर्न हो रही है वो डेफिनेटली एक इंटीजर वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी उसके अकॉर्डिंग हमें टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर कई सारे, या तो मैं इफ इल्स कंडीशन लगाऊं कि जो रिटर्न हो रहा है वो वन है कि टू है कि थ्री है कि फोर है कि फाइव है। तो कई सारी जब हमारे पास चॉइस हों तो वहाँ पर देखिए आप इफ इल्स का यूज ना करें, उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास होता है स्विच का यूज कर लें आप। क्योंकि स्विच जब मल्टीपल आपके पास, आपको कंडीशन चेक करनी हो मल्टीपल कंडीशन, तो वहाँ पर स्विच क्या होता है बेनिफिशियल होता है ना। तो मैं यहाँ पर स्विच लगाता हूँ। तो हमने देखिए स्विच यूज किया और ये रही देखिए हमारी स्विच की बॉडी। अब मुझे क्या करना है, मैं इस स्विच के अंदर हमें जो चॉइस रिटर्न हो रही है, जो चॉइस यूजर ने इंटर किया होगा इस मीनू फंक्शन से रिटर्न होगी, तो उसी को हमें इस चॉइस में पास करना है। तो क्यों ना मैं मीनू फंक्शन को इस चॉइस के अंदर ही कॉल करूँ। देखिए तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसकी जगह पर जो भी रिटर्न होगा वो आ जाएगा। अब जैसे ही रिटर्न होके आएगा तो मुझे बनाने पड़ेंगे यहाँ पर कई सारे केस। तो हमने बना लिए देखिए केस वन। अब केस वन में हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो उसकी कोडिंग मैं बाद में लिखूँगा। और यहाँ पर हमें बना लिया केस टू, और ये तीसरा हो जाएगा हमारा क्या केस थ्री, और ये हो जाएगा हमारा केस फोर, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्या केस फाइव। और एक इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, डिफ़ॉल्ट केस। अगर मान लीजिए यूजर कुछ रॉन्ग इनपुट कर देता है तो उसको हम डिफ़ॉल्ट में ले जाएंगे। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में हमें तो सिंपली एक मैसेज ही प्रिंट करना है ना। और मैसेज क्या प्रिंट करना है हमें, मैसेज हमें प्रिंट करना पड़ेगा, लाइन चेंज कर दिया, इनवैलिड चॉइस। बस इसमें तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, इनवैलिड चॉइस। अब चलिए अब हमें केस वन में कोडिंग करनी है। तो केस वन में हमें एडिशन का लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर केस वन में चाहे तो जो यहाँ पर हम कोडिंग लिखेंगे इस जगह पर मैं कोडिंग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा क्लैरिटी लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैं उसका अलग अलग सेपरेट सेपरेट फंक्शन डिफाइन करूँगा, राइट। तो फंक्शन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एडिशन का लॉजिक बनाना है चॉइस वन में। अगर यूजर चॉइस वन इंटर करता है तो हमें उन नंबर को सम करना है, तो ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट से वायर्ड ऐड नाम से। ऐड नाम से हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया फंक्शन। अब मुझे इसमें कोडिंग करनी है। तो जैसा अगर आपने पहला वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे मैं यहाँ पर ओपन, हमने क्या किया था वहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि आप ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दो इनपुट की, मतलब दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी और एक ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर तो आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं जैसे ही आप चॉइस इंटर करते हैं ना, चॉइस आप जब भी इंटर कर रहे हैं तो एक तरह से आप ऑपरेटर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंड इनपुट करने की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेंड आपको यहाँ पहली बार जब ऑपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो
तो आपको दो ऑपरेंड इनपुट करना पड़ता है ना। और जैसे ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, तो जैसे ही आप एक बार ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास च्वाइस आ जाती है कि आपका जो प्रीवियस रिजल्ट है, आप उसमें कुछ ऑपरेशन, उसके साथ में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कि आप फिर से दो नंबर अदर नंबर का आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 8 + 5, तो क्या आ गया आंसर? 13 आ गया। अब 13 में हो सकता है कि आप जो रिजल्ट आया है, आप मान लीजिए 13 में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड बार आपने क्या किया, सेकेंड बार आपने जो आपके पास प्रीवियस रिजल्ट था, जो 13 था, उसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो सेकेंड टाइम आपके पास च्वाइस है कि आप अपने पुराने वाले आंसर के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कि आप फिर से एक नया ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे आपके पास 26 यहाँ पर है, जो एक ओल्ड रिजल्ट है, तो आप इस 26 में कुछ आप ऐड करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, एक च्वाइस ये हो गई। दूसरी च्वाइस आपके पास क्या है, कि आप हो सकता है कि जो प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस आंसर है, उसको आप कैंसिल कर दें और फिर से दो नई नंबर का मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो च्वाइस है, तो क्या होगा, जो आपके पास रिजल्ट है, अब यहाँ पर आपको उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐड फंक्शन की हम कोडिंग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हमें दोनों च्वाइस की कोडिंग करनी पड़ेगी, कि आप दो ऑपरेंड इनपुट करने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड इनपुट करने वाले हैं, है ना। जब आप दो ऑपरेंड इनपुट करेंगे, मतलब कि आप एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और जब एक ही ऑपरेंड इनपुट करेंगे, मतलब आपका एक ऑपरेंड होगा जो आपका ओल्डर रिजल्ट है, और दूसरा ऑपरेंड होगा जो आप नंबर इनपुट करेंगे। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि आप अपने ओल्ड डेटा के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि न्यू डेटा आप इंटर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और उस वेरिएबल को मैं ग्लोबली बनाऊँगा। ग्लोबली इसलिए बनाऊँगा ताकि मैं उस वेरिएबल को हर फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीजर टाइप का, लेट से एक के नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें इनिशियली मैं ज़ीरो कर दिया। अगर के में ज़ीरो है, अब यहाँ पर मैं ऐड फंक्शन में आता हूँ, अगर के में ज़ीरो है, तो अभी मैं ये मान के चलूँगा कि अभी आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो जब आप ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपको दो नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, के में वन कर दूँगा। समझ बात आ रही है। तो अगर के में मैं वन कर दूँगा और उसके बाद आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो मैं के की वैल्यू को चेक करूँगा। अगर के में वन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा, और अगर के में ज़ीरो है, तो आपको दो नंबर इनपुट करना पड़ेगा। अब के में वन मैं कहाँ पर करूँगा, जैसे यूजर च्वाइस इंटर करता है वन, तो यहाँ पर जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, तो यहीं पर मैं के में वन कर दूँगा, है ना। या तो मैं के को यहीं पर वन कर सकता हूँ ऐड फंक्शन के लास्ट लाइन के रूप में, है ना, क्योंकि ऐड फंक्शन जब चल जाएगा, तो आप एक बार तो कम से कम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, तब आपके पास च्वाइस आ जानी चाहिए। तो मैं वही यहाँ पर चेक करूँगा, इफ़ के, मैं लिखा इफ़ के, तो अगर के में वन है इल्स, ये देखिए हमने लिखा इफ़ के इल्स, तो अगर के में वन है, तो हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है, और अगर के में ज़ीरो है, तो के में क्या, जैसे देखिए सी लैंग्वेज में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, जैसे के में अगर वन है, तो वो ट्रू माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने के इक्वल टू वन नहीं लिखा है, सिर्फ के लिख दिया, अगर के में वन है तो ट्रू माना जाएगा। तो अगर के में ट्रू है, के में वन है, तो हमें एक नंबर इनपुट कराना है यूजर से, और अगर के में ज़ीरो है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो इफ़ के अंदर हमने के लिखा, तो हम इल्स में आएंगे, तब हमें दो नंबर इनपुट करना है। तो पहले मैं देखिए एक नंबर कोडिंग करता, अगर के में वन है, तो मुझे यूजर को मैसेज देना है कि आपको सिर्फ एक नंबर इनपुट करना है। तो हमने लाइन चेंज कर दिया और हमने लिखा इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करो, इंटर अ नंबर, और यूजर इस तरह से एक नंबर इनपुट करेगा। तो उसको मुझे इनपुट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया परसेंट डी एड्रेस ऑफ, लेट से हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है,
और अब बताइए, जो ए वेरिएबल में इनपुट आया है उसको हमारे मेन रिजल्ट के साथ में ऐड करना है। जो हमारा एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा, मेन रिजल्ट, जिसे हमें प्रिंट करना है, तो उस लेट से रिजल्ट नाम को भी, रिजल्ट को भी मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में ग्लोबली ग्लोबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। ग्लोबली मैं देखिए क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, वही बात है, क्योंकि हमें इस वेरिएबल को हर एक फंक्शन के साथ में, हर एक फंक्शन के अंदर मुझे यूज करना है। तो सिर्फ मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकूं, इसीलिए मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। हालांकि आप चाहें तो आप मेन फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उस केस में थोड़ा सा इसे हैंडल करना आसान नहीं होगा। तो अब रिजल्ट में हमें क्या करना है, RESULT, जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में जो प्रीवियस डेटा है उसके साथ में हमें ए को ऐड करना है। देखिए ये बात यहाँ पर समझिए, अगर यूजर एक नंबर इनपुट कर रहा है, मतलब कि रिजल्ट में पहले से ही कुछ इनपुट होगा, ये गारंटी है ना? और नहीं तो सेफ फॉर साइड के लिए मैं रिजल्ट में भी शुरू में क्या रख ले रहा हूँ, कि मैं जीरो रख लूँगा शुरू में, इनिशियली, है ना? तो क्या होगा, जब यूजर एक नंबर इनपुट कर रहा है तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रीवियस आंसर होगा हमारा, तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं उस नंबर ए को रिजल्ट में ऐड कर दे रहा हूँ, और उसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट ऑफ, मैं प्रिंट कर दूँगा, लाइन चेंज ऑल रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट डी, और मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, इस रिजल्ट वेरिएबल की प्रिंट करनी है ना? तो देखिए ये इफ के अंदर जो हमें कोड लिखना था वो हो चुका है। अब इल्स में आते हैं, अगर के में जीरो है तो मतलब वही यूजर ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, या तो यूजर फिर से एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहता है ना? तो है ना, यूजर के पास देखिए इल्स में आने की दो वजह हो सकती है, या तो यूजर ने अभी अभी पहली बार प्रोग्राम को रन करके ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, या कुछ ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद उसने ये क्लियर वाली बटन प्रेस की होगी, है ना, क्लियर वाली बटन प्रेस की होगी, तब उसके बाद नया ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहता है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे अब दो नंबर को इंटर करना है, तो हमने लिखा लाइन चेंज इंटर टू नंबर। देखिए आपको एक ही फंक्शन की कोडिंग को ध्यान से देखना है, उसके बाद तो कोडिंग में कोई चेंजेज ही नहीं होगा, यही सेम टू सेम देखिएगा। अब मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा हर एक फंक्शन के लिए, और अब मुझे उन दो नंबर को इनपुट लेना है, तो मैंने परसेंट डी दो बार लगाया है, क्योंकि हमें दो नंबर का इनपुट लेना है, दो नंबर इनपुट लेना है, और एड्रेस ऑफ ए कामा एड्रेस ऑफ बी, और ऑफ कोर्स मुझे बी वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, ए को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है, तो हमने इंट ए कामा बी दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट में क्या होगा, मुझे रिजल्ट में रखना है क्या, ए प्लस बी रखना है, ए प्लस बी मुझे रिजल्ट में रखना है, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने लाइन चेंज कर दिया, और रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट डी कामा रिजल्ट की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे देखिए फंक्शन की कोडिंग हो गई है, सही बात आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस पूरे इफ इल्स के बाद यहाँ बाहर आ पाएंगे, तो यहाँ पर आप के की वैल्यू को 1 कर दीजिए, यहाँ पर आप लिख देंगे के इक्वल्स टू 1, है ना? क्यों, देखिए एक बार ऐड ऑपरेशन आपने कर लिया, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने अभी 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 मान लीजिए आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो अभी के में क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने इनिशियली जीरो रखा था, तो आपको यहाँ पर दो वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। हमने इंटर किया 8 - 5 इक्वल टू 3, तो जैसे ही 3 आ गया तो के में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। तो जब दूसरी बार आप ऐड फंक्शन का यूज करेंगे तो आपके पास चॉइस है कि आप इस ओल्ड वाले 3 में कुछ एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कि आप फिर से नए दो ऑपरेशन, दो नए ऑपरेंड इंटर करके ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, है ना? तो हमने यहाँ पर के इक्वल्स टू 1 कर दिया, और जैसे ही आप सी को प्रेस करेंगे तो इसको, इसके लिए भी मैं कोडिंग करूँगा, तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे सी को आपने प्रेस किया, मतलब अब आप एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको दो ऑपरेंड इनपुट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जब मैं इस सी की कोडिंग करूँगा, क्लियर की कोडिंग करूँगा, तो वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ के इक्वल्स टू 0 कर देना है, और के में अगर 0 होगा तो हमारा ये इल्स वाला पार्ट चलेगा, और इसमें आपको दो इनपुट करना पड़ेगा,
या तो आप यहाँ पर k इक्वल्स टू वन ना लिखें, कहीं और भी आप लिख सकते। तो जैसे यहाँ पर आपने k इक्वल्स टू वन किया है, तो यहाँ पर अगर आप ना लिखना चाहें तो जब आप स्विच केस में जहाँ पर आपने चॉइस वन लिखी है, तो चॉइस वन में आप क्या करेंगे, यहाँ केस वन में आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद भी आप k इक्वल्स टू वन कर सकते हैं, है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर k इक्वल्स टू वन करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर भी आप k इक्वल्स टू वन कर सकते हैं। और जहाँ यहाँ पर हमने जो लिखा k इक्वल्स टू वन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहला पार्ट था और ये वीडियो की लेंथ 20 मिनट हो चुकी है, तो आपको अब दूसरे पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच।